पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में बेजाब्तगियों से मुतालिक अजखुद नोटिस केस, फॉरेंसिक ऑडिटर कोपकब जुबैरी ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। पीकेएलआई 12 अरब का मंसूबा था, 53 अरब रुपए से तजावुज कर गया, गंदगी है, छतें टपक रही हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको ताजा दिन तफसीलात से आगाह करें, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में बेजाब्तगियों से मुतालिक अजखुद नोटिस केस, फॉरेंसिक ऑडिटर कोपकब जुबैरी ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी है। पीकेएलआई 12 अरब का मंसूबा था, 53 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, गंदगी है, छतें टपक रही हैं। रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ किया गया और पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी भी की गई है, चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं। आपको ताजेतरीन तफसीलात से आगाह करें, पाकिस्तान किडनी या लीवर इंस्टीट्यूट में बेजाबगियों से मुतालिक अजखुद नोटिस केस की समाप्त हुई, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिटर कोकिब जुबैरी ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीकेएलआई 12 अरब का मनसूबा था, जिसमें 53 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, गंदगी है, छतें टपक रही हैं। और रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है, चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए हैं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। मोहम्मद इशफाक से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में बेजाबकियों से मुतालिक अजखुद नोटिस केस की समाप्त हुई, जिसमें फॉरेंसिक ऑडिटर कोकब जुबैरी ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ कि पीकेएलआई 12 अरब का मनसूबा था, 53 अरब रुपये से तजावुज कर गया है।